सबका कहना है 1000 में मेरे भैया है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है मेरा भाई तो मेरी जान है, मेरा भाई तो मेरी जान है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आज रक्षाबंधन है, आज नारवी पूर्णिमा भी है, तो आज मेरे सब भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन। मैं सब भाइयों से दूर हूँ, मैं बहुत मिस कर रही हूँ सबको, पर ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ भी एक मेरा भाई है, तो मैं उसको राखी बनवाती हूँ, उसको राखी बांधती हूँ। तो आज रक्षाबंधन है, इसके लिए मैं एक स्पेशल रेसिपी आपको दिखाने वाली हूँ। और आज नारियल पूर्णिमा भी है, तो मैं महाराष्ट्र में नारियली पूर्णिमा रहती है, तो नारियली भात बोलते हैं उसको, स्वीट राइस रहता है, बट वो अलग तरीके से रहता है। मैं आपको आपको सबको पता ही रहेगा, तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ नारियली भात। तो चलिए, आज बहुत अच्छा दिन है और भाई बहनों का दिन है, तो सब लोग एंजॉय करो और अच्छा अच्छा खाना बनाओ, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी आएंगे बहनों को और भाई भी खुश होंगे इस दिन पे। तो चलिए बनाते हैं नारियल भात। तो पहले मैंने घी लिया है इसमें, अब इसमें कैशू नट ऐड करते हैं 7 to 8 जो कट किए हुए हैं, 100 टेबल। ये आलमंड लेते हैं, ये भी मैंने अच्छे से कट किए, स्लाइस्ड आलमंड लिए हैं, ये भी अच्छे से सौते करो। अब होल स्पाइसेस लेते हैं, लवंग लिए मैंने 3, देन सिनेमन लेते हैं, ये 1 ही लिया है मैंने, वो कट कट के डाला है, मीरी है 3 to 4। मेक श्योर इसको ज़्यादा जलने नहीं देना है। नाउ आई एम एडिंग होल बासमती राइस और 2 कप लिया है मैंने। नारे भात में आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा हेल्दी चाहिए तो गुड़ ऐड कर सकते हैं। तो ये गुड़ ऐड कर रही हूँ मैंने, ये ऑलरेडी पीस के रखा था मैंने। अब मैं इसमें मेरी फेवरेट इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ थोड़ी, फिर ये मैंने घर पे ही बनाया था कोकोनट मिल्क, आप बाहर का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये केसर का पानी ऐड करते हैं, ये मिल्क ऐड करते हैं क्योंकि राइस अच्छा उसको सोक दे। मिक्स वेल एंड ब्रिंग इट टू बॉइल। अब इसके ऊपर से मैं जायफल जो नटमेग है वो पीस के डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये श्रेडेड कोकोनट एंड में कुक अंटिल जो कोकोनट मिल्क और मिल्क है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। और ये हमारा नारियल भात भी रेडी हो गया है, 15 टू 20 मिनट्स लगता है इसको। एंजॉय द रेसिपी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे प्यारी बहना को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? आई होप आपको सबको अच्छी लगी होगी, और स्वीट है और उसमें सब ड्राई फ्रूट्स है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगती है और टेस्टी भी बनी है। तो आप आपके घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी हुई आपकी भी और ये रेसिपी। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन, हैप्पी नारियल पूर्णिमा, थैंक यू।